राजस्थान से अब बड़ी खबर है। यूपी भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मामला, 17 आरोपियों को कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। बड़ी खबर ये इस वक्त सामने आ रही है। एसओजी ने 12 अभ्यर्थी 5 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। आज सभी आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंची थी एसओजी। ये बड़ी खबर हम आप तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं। आप दरअसल आपको ये बताएं कि अब इस पूरे मामले में जो 17 आरोपी हैं, इन्हें कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। ये जो पूरा मामला है, ईओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें जांच पड़ताल लगातार आगे बढ़ रही है। और अब 17 ये आरोपी जिन्हें कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है, एसओजी ने 12 अभ्यर्थी और 5 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। और आज इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था और उसके बाद अब इन सभी को रिमांड पर भेज दिया गया है। अब इनसे पूछताछ होगी। पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और अब इस पूरे मामले को लेकर अपडेट इस वक्त ये सामने आ रहा है कि आज जब इन 17 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, तो कोर्ट ने इन 17 के 17 आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। आज ही अगर बात की जाए तो इससे पहले हालांकि एसओजी ने 12 अभ्यर्थी और 5 सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। और अपडेट इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर यह है कि सभी आरोपियों को कोर्ट लेकर आज एसओजी पहुंची थी और वहां से इन्हें 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है।